हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आलिया व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि संतोषी माता के व्रत के लिए गुड़ चने मैंने घर पे ही चने बनाए, क्योंकि लॉकडाउन है और हमारे यहाँ पे कर्फ्यू भी लग रखा है, तो मार्केट सारी जगह बंद है। अगर मार्केट खुला होता तो आसपास की शॉपों से हमें आसानी से चने मंगा लेते, मगर हमारे यहाँ कर्फ्यू लग रखा है तो शॉप्स पे चने भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए साबुत नमक लिया है एक कटोरी, और एक कटोरी सेंधा नमक लिया है, और साथ ही हम ले रहे हैं काले चने एक कटोरी। और तो यहाँ पे गुड़ चने माता जी के, संतोषी माता के बहुत ज़्यादा चढ़ाए जाते हैं, उनके फेवरेट ही हैं गुड़ चने। और यहाँ पे हम कढ़ाई कर लेंगे, थोड़ी सी गर्म करने के लिए चढ़ा देते हैं, गैस ऑन कर दी है हमने। तो यहाँ देखिए हमारी कढ़ाई हो चुकी है गर्म, और इसमें डाल देंगे हम एक कटोरी नमक, साथ ही हम डाल देंगे इसमें एक कटोरी साबुत नमक। और इसको हम अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ कढ़ाई में, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक कटोरी ही चने भुनने थे तो मैंने इतना ही नमक डाला है। अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में टाइम पास करने के लिए खाने के लिए बनाना चाहते हैं तो आप आराम से अपने अकॉर्डिंग ही लें सारा सामान। यहाँ पे मैं इसको गर्म करने के लिए 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के कढ़ाई में रख दूंगी, ताकि हमारा नमक हो जाएगा अच्छे से गर्म। तो गैस हमारी हाई फ्लेम पे है, साथ ही हमारा नमक हो चुका है गर्म। तो हम एक बार इसको ढक्कन हटा के देख लेते हैं कि हमारा नमक हुआ है या नहीं हुआ है गर्म। ढक्कन हटाने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ मैंने इसमें चने डाल दिए हैं, और चने हमारे देखिए कितने अच्छे से भुन गए हैं। तो आपको चने डालने के बाद में इसे कंटिन्यू चलाना, अगर आपने डाल के छोड़ दिया तो ये चने सारे जल जाएंगे, काले हो जाएंगे। और हमारे यहाँ से निकल रही ट्रेन, तो ट्रेन की आवाज आपको जरूर आ रही होगी गाइस। तो यहाँ देखिए मैं अच्छे से चला रही हूँ, और आधे चने में सिकते ही हम निकाल लेंगे। अगर जो चने हमारे हो चुके भुन गए हैं उन्हें हम निकाल लेंगे, और उसके बाद में हम दूसरे चने और डाल देंगे अगर हमने और भुन दें तो इसी नमक में। तो यहाँ पे हमारे गुड़ चने के अच्छे काले चने भुन चुके हैं अच्छे से, इन चनों को निकाल लूंगी हम, क्योंकि हम इसे चने डालते ही हमें इसे कंटिन्यू हिलाना है, नहीं तो हमारे काले चने जल जाएंगे। ज्यादा भुनेंगे तो अगर ये हमारे चने काले काले चने जले हुए तो बहुत कड़वे लगते हैं, कड़वा कड़वा स्वाद आएगा। तो आप लोगों को तो पता है कि संतोषी माता ने कितना अच्छे से हमारे चनों में जो व्रत करता है, और फैमिली मेंबर्स में अगर किसी ने खटाई खा लेते, हमारे फैमिली मेंबर्स में से मेरी भाभी से किसी को नहीं देती, क्योंकि फैमिली मेंबर्स बाहर, फैमिली मेंबर्स के लोग जो जॉब्स वगैरह करते हैं वो बाहर जाते हैं तो खटाई खा लेते हैं, तो खटाई का इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो इस कारण से भाभी जी संतोषी माता का प्रसाद किसी को नहीं देते हैं। तो हमारे चने हो चुके हैं, तो हम गैस कर देते हैं अब हमारी बंद, और इन चनों को मैं निकाल लूंगी ठंडे करके। तो ये जो नमक बचा है हम बाद में किसी और काम में भी ले सकते हैं, अगर आप कोई भाप वाली चीज़ बनाते हैं तो इस नमक का प्रयोग ले सकते हैं, बाद में आप इसे रख देना उठा के। तो यहाँ देखिए हमारे चने सारे भुन चुके हैं अच्छे से, और अभी इनको ठंडा होने के बाद में मैं एक कटोरी में निकाल लिया है सबको। तो लग रहे हैं ना मार्केट जैसे एकदम काले चने भुने हुए। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर बाहर भी नहीं निकल सकते थे, तो इस कारण से काले चने और माता जी की काले चने गुड़ चने चढ़ाए बिगड़ तो कथा होती नहीं माता जी की। तो यहाँ पे मैंने गुड़ चने अपने हाथों से घर में बना के और माता जी की चढ़ा रहे हैं आज हम। तो यहाँ देखिए इसके कितने अच्छे से छिलके उतर रहे हैं, और सारे चने अच्छे से भुन चुके हैं एकदम कम्प्लीट ही। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ये चने अगर आप खाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से भी और ज़्यादा ले सकते हैं, वैसे बच्चों को खिलाने भी चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं चने, खाना खाली पेट फायदे ही करते हैं चने काले भुने हुए। तो यहाँ देखिए एकदम कितने अच्छे से सीख चुके हैं हमारे,
और इसी के साथ में मैं चढ़ा रही हूँ माता जी के लिए खीर, क्योंकि हम कथा करने के बाद में माता जी के लिए भोग चढ़ाते हैं, तो भोग में मैं खीर ही चढ़ाते हैं हम अलग अलग बना के माता जी के लिए। तो यहाँ मैंने दूध गर्म करा था और ये साबुदाने भिगो दिए थे 2 घंटे पहले, तो यहाँ दूध उबल चुका है अच्छे से और गैस कर देते हैं हमारी कम लो फ्लेम पे। तो गैस कर दूंगी मैं यहाँ पे लो फ्लेम पे, और तो अब ये दूध हो चुका है, तो अब इसमें हम डाल देंगे जो 2 घंटे पहले साबुदाने के हमने दाने भिगो रखे थे वो इसमें डाल के ऐड कर देंगे इसके अंदर अच्छे से। अगर आप साबुदाने की कोई भी चीज़ बनाते हैं तो या तो उसको 2 घंटे पहले भिगो दें, नहीं तो आप हल्का सा गुनगुना पानी करके भी उसमें ही साबुदाने डाल के रख दें सिर्फ 10-15 मिनट के लिए, तो ये आपके अच्छे से ठीक ठीक हो जाएंगे साबुदाने, भीग अच्छे से जाएंगे। तो यहाँ देखिए साबुदाने की खीर में मैंने ये साबुदाने डाल दिए थे, तो इसको अच्छे से हिला लिया है। अब इसे हम रख देंगे ढककर। तो यहाँ गैस कर देती हूँ मेरी लो फ्लेम पे, और इसे अब हम ढक के रखेंगे 5 मिनट के लिए। तो गैस कर दी मैंने लो फ्लेम पे, और अब देख लेते हैं हम एक बार चेक करके 5 मिनट हो चुके हैं, आप बीच में चेक कर लें एक बार, क्योंकि साबुदाने की खीर नीचे चेड़ जाती है। अगर साबुदाने की आप कुछ भी चीज़ बनाते तो कढ़ाई या फिर भगोनी में चेड़ जाता है, तो उसका स्पेशली आप ध्यान रखें। तो यहाँ मैं इसमें खीर हो चुकी है, तो इसमें एक कटोरी चीनी ऐड कर दूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप, क्योंकि मेरे को सिर्फ भोग के लिए मतलब भगवान की चढ़ाना है, तो उसके लिए ही बनाई है मैंने ये खीर साबुदाने की। इसको हम अच्छे से हिला लेंगे। और तो गैस कर देते हैं हमारी बंद, क्योंकि हमारी खीर हो चुकी है, इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी मैं, गरम गरम नहीं चढ़ाएंगे माता जी के। तो यहाँ पे कर देते हैं हमारी गैस ऑफ, और खीर को हम ठंडा करने के लिए रख रहे हैं। तो यहाँ पे जितने मैंने संतोषी माता की बीच में हमने तैयारी कर ली थी, तो देखिए जो मैंने चने भूंदे थे तो वो संतोषी माता के चढ़ाए गए हैं, और आपको मैं झूठ नहीं बोल रही थी, इसलिए मैंने संतोषी माता की कथा करते हुए भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने संतोषी माता के गुड़ चने चढ़ाए हैं, और कलश के ऊपर भी कटोरी में रखे हैं गुड़ चने। तो यहाँ पे देखिए कथा कर ली है, और तो अब मैं भोग चढ़ा रही हूँ खीर का माता जी के, और ये भोग हमारे हर शुक्रवार को चढ़ाया जाता है, माता जी की खटाई नहीं चढ़ाते हम। तो यहाँ देखिए चढ़ा दिया ये भोग, और हर शुक्रवार को चढ़ाते हैं, क्योंकि कभी हम चावल की बनाते हैं खीर, कभी इसकी साबुदाने की, वैसे माता जी के बिना खटाई की ही बनाते हैं इसका। जब भी आप अगर कभी लाइफ में कभी व्रत करते हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि माता जी के खटाई का प्रयोग करें आप, बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है खटाई का आपको। तो यहाँ मैंने भोग चढ़ा दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन दबा देना। तो यहाँ पे जो हमारी संतोषी माता के हमने भोग वगैरह चढ़ा दिया है, और तो आपने देखा है कि मैंने अपने हाथों से खुद ने चने काले चने भून के माता जी के चढ़ाए हैं, और यहाँ पे जो ये खीर है अब हमारे बाकी कुल देवी वगैरह है हमारी।